हाय गाइस, वेलकम इन कोड विथ मनी। आज हम सीखेंगे हाउ टू इंस्टॉल जेनकिंस ऑन AWS EC2 इंस्टांस। ओके, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था हाउ टू इंस्टॉल मेवन एंड टॉमकैट। आज हम सीखेंगे जेनकिंस को कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लिंक पे आ जाएंगे jenkins.io/downloads पे। इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन है, LTS एंड वीकली रिलीज। तो मैं LTS पे जाऊंगा क्योंकि ये स्टेबल है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, पास्ट रिलीज पे क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे पास ये देख सकते हो वीकली रिलीज है, एक हमारा लॉन्ग टर्म सपोर्ट। तो मैं लॉन्ग टर्म सपोर्ट को करने जा रहा हूँ। आप चाहो तो वीकली को भी चेक कर सकते हो, लेकिन मेरे को लॉन्ग टर्म चाहिए ताकि मैं वो स्टेबल रहूँ और टाइम टू टाइम मैं अपना रिलीज दे सकूँ अकॉर्डिंग टू टाइम। तो मैं जा रहा हूँ LTS पे। ठीक है, तो मैं ऐसा जेनकिंस चूज करूँगा जो जावा 8, 11 और 17 को भी सपोर्ट करे। तो मैं ये अपना 2.3.3.4.6.1 को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, तो क्योंकि ये जावा 8 और 11 और 17 को भी सपोर्ट कर रहा है। तो मैं इस पर आ जाता हूँ और यहाँ पे मेरा जेनकिंस का पेज खुल गया। ठीक है, तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले तो अपना सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जो यहाँ पे हमने EC2 इंस्टांस के अंदर, EC2 सर्विस के अंदर हमने एक इंस्टांस क्रिएट किया है, जो सर्वर क्रिएट किया है उसको पहले मैं रन कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि मुझे इसी EC2 इंस्टांस पे अपना जेनकिंस को इंस्टॉल करना है। ओके, तो वो कैसे करेंगे उसके लिए हम जाते हैं, इसको स्टार्ट कर लेते हैं अपने इस सर्वर को। तो ये जो सर्वर हमने बना रखा है इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद पेंडिंग है अभी। चलो रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूँ, हो जा। इसके बाद जैसे कि अब ये हमारा क्या हो गया, इंस्टॉल हो रन हो जाएगा हमारा इंस्टांस। और फिर इसके बाद हम इसकी IP एड्रेस को कॉपी करेंगे और फिर पुट्टी टूल सॉफ्टवेयर की हेल्प से इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पुट्टी टूल क्या होता है ये सारा चीज़ मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो DevOps का, और उसके अंदर हम स्टेप बाई सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर आपने वीडियो लेक्चर मिस किया है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको हमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, IP एड्रेस को कॉपी किया, अब मैं पुट्टी टूल सॉफ्टवेयर को यूज़ करूँगा, इसके अंदर अपना IP एड्रेस पेस्ट कर दिया। और इसके बाद SSH में गया, ऑटो में गया, क्रेडेंशियल में जाऊंगा, उसके बाद मैं की पेयर को ब्राउज कर लूंगा। तो ये की पेयर क्या होता है, पुट्टी टूल क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो आपको स्टार्टिंग से वीडियो देखनी पड़ेगी DevOps का। ठीक है, क्योंकि हम स्टेप बाय सारा चीज़ बता रहे हैं, तो कोई भी वीडियो मिस ना करें वरना आपको दिक्कत होगी। इसके मैं फ़ॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ ताकि कमांड जो भी मैं टाइप करूँ उसे क्लियर और साफ साफ दिखे। ठीक है, 20 कर देता हूँ, डन, ओके, अप्लाई। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, EC2 यूज़र करके नॉर्मली लॉगिन कर लूँगा। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट अपना यूज़र नेम है। अब मैं sudo su करके मैं रूट यूज़र में कन्वर्ट हो जाऊँगा, नाउ आई विल बी बिकम अ रूट यूज़र। ओके, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक बार मेवन को चेक कर लेता हूँ कि अब ये MVN वर्जन क्या है। तो मैं आपको बता दूँ कि पिछली वीडियो में हमने सीखा था हाउ टू इंस्टॉल मेवन। ठीक है, तो मैं उसी मेवन को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रन कर रहा हूँ। तो आपको नहीं पता ये मेवन में क्या कर रहा हूँ तो आपको मेरी पिछली वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोई भी वीडियो मिस मत करो वरना, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ रहे हैं और सारा कमांड एक दूसरे वीडियो से रिलेटेड है। तो स्टेप बाय स्टेप करके सारी वीडियो देखें तभी आपको ईजिली समझ में आएगा और आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो ये M2 होम है, ये वेरिएबल है, इसके अंदर हमने क्या किया है, मेवन को इंस्टॉल किया है और जो पाथ सेट कर रखा है। ठीक है, इसको भी एक्सपोर्ट कर लेते और फिर इसके बाद मेवन को रन कर देंगे। ठीक है, चलो, और हमारा जो पाथ क्या है, $path:\m2home/bin। ओके, तो अब ये हमारा हो गया डन। अब हम मेवन को वर्जन को चेक कर लेते हैं सक्सेसफुली हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो मेवन हमारा सक्सेसफुली अब देख लेते हैं रन कर गया, गुड। तो अब हमारा मेवन रन कर चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे टॉमकैट पे। ठीक है, तो मेवन तो इंस्टॉल कर लिया था, टॉमकैट को भी इंस्टॉल कर ही लिया था, तो अब टॉमकैट को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं एज अ रूट यूज़र हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो मैं टॉमकैट को यूज़ करके एक बार चेक कर लेता हूँ उसके कमांड्स क्या थे। कमांड्स, ओके, मुझे यहाँ पे क्या करना है, जेनकिंस को क्या करना है, पहले मैं इसका लिंक एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ।
तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जेंकिंस को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए क्या लिखना पड़ता है, डब्ल्यू गेट और पेज द लिंक। ओके, तो आप देख सकते हो जेंकिंस हमारा सक्सेसफुली अब डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, तो सक्सेसफुली डाउनलोड हुआ कि नहीं हुआ तो कैसे देखेंगे, उसके लिए हमें लिस्ट ओपन करना पड़ेगा। लिस्ट में आप देख सकते हो मेवन, टॉमकेट और आज हमने जेंकिंस को भी इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, तो अब हमारा जेंकिंस जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइज़।